3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। अजमेर में गैंगस्टर गैंग के प्रमुख व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलजिम के पास से बरामद हुए बड़े हथियार। स्टेशन रोड से पकड़ा मुलजिम को, अजमेर में बड़ी घटना को देने वाले थे अंजाम। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले मुलजिम को आजीवन कारावास। तारगढ़ का है मामला, 1,30,000 जुर्माने के साथ भी किया दंडित। हार्दिक पटेल ने की अजमेर दरगाह में जियारत, चादर पेश कर मांगी अमन चैन की दुआ, कहा चाहता हूँ पूरे देश में बना रहे भाईचारा। सचिन पायलट ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थक के साथ की बदसलूकी। समर्थक जब फोटो खींचने आ गया तो पायलट ने बदसलूकी के साथ हटाया। सबको साथ लेके चलने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट का वीडियो हो रहा है वायरल। कल पानी और बिजली की समस्या को लेकर सांसद रघु शर्मा ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम, भाजपा सरकार के कार्यकाल को बताया विफल। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने समाप्त की भूख हड़ताल, 72 घंटों तक भूखे रहे कर्मचारी। पुष्करोड़ स्थित राजपुर छात्रावास का मुख्यमंत्री करेगी उद्घाटन, कल होने जा रहे कार्यक्रम की शुरू हो चुकी है तैयारियां, सुबह 11 बजे होगा उद्घाटन कार्यक्रम। अभिभावक संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति को प्राइवेट स्कूल में हो रही फीस वृद्धि के मामले से करवाएंगे अवगत, 14 को मिलेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। बांदरवाड़ा में बन रहे 6 लेन पर अंडरपास की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, क्षेत्र के लोगों को हो रही है परेशानी, आए दिन हो रहे हैं हादसे। जीव दया से बढ़कर जीवन में कोई कार्य नहीं, कहा साधु गुरंजना श्री जी ने। जैन दादा बड़ी में पंचम दादा मेले की हुई शुरुआत, बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग हुए शामिल। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।